जहां एक ओर देश में बेटियां नए नए कीर्तिमान बना रही है, यहां तक कि भारत देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है और सरकार भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं और ऐसे में एक नवजात बालिका का संदिग्ध अवस्था में शव मिलना संशय का विषय बना हुआ है। नवजात बालिका का शव टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट के पास झाड़ियों में मिला है, जो कि देहात थाना अंतर्गत आता है। शव बालिका का होने पर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों उसके परिजन ने उसको झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। बताइए, जो अभी रेलवे ट्रैक के पास नवजात का शव मिला है। हाँ, ये अभी एक ये ऑटो हब वाले हैं, मृत्युंजय ने सूचना दी है पुलिस को कि रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक नवजात बालिका का शव पड़ा हुआ है। तो हमने रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम करवा कर आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बच्ची है कि बच्ची नवजात बालिका है? प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? अब अभी तो कहना कुछ भी संभव नहीं है, जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि जाँच में लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।